in association with American Pistachio. नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। प्रशांत भूषण और अदालत की अवमानना वाले मामले में सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशांत भूषण अवमानना के दोषी करार दिए जाने के बाद भी माफी ना मांगने पर अड़े हैं। बीते 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने जोरदार बहस के बाद प्रशांत भूषण को 4 दिन का समय दिया ताकि वो माफी मांगकर केस खत्म कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद 24 अगस्त यानी मंगलवार को फिर से वकीलों की जिरह हुई। जजों की टिप्पणियां भी काफी गहरी और रोचक रही। जानते हैं किसने क्या कहा। सबसे पहले प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन, उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि कोई फैसला आने के बाद कुछ लोग भूषण को शहीद दर्जा देने लगे और कुछ कोर्ट के फैसले की तारीफ में लग जाएं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये केस खत्म हो, विवाद खत्म हो और वो न्यायपालिका के बड़प्पन दिखाने से ही संभव है। लॉर्डशिप जब आप रिटायर होंगे या नहीं भी होंगे तो तमाम बातें होंगी जो कहेंगी कि कोर्ट ने फला मामले में सही फैसला किया या फला मामले में नहीं किया। इसे रोका नहीं जा सकता। न्यायालय का तो अस्तित्व ही जिम्मेदार आलोचना पर टिका है। मैं हमेशा 2 जिम्मेदारियों में रहता हूं, पहली मेरी क्लाइंट के प्रति, दूसरी कोर्ट के प्रति। ये दोनों मेरे लिए एक नहीं है। मैं इनमें घालमेल नहीं करता। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का तरीका नहीं है कि हम आपको इतने दिन दे रहे हैं, माफी मांग लीजिए। ये गलत न्याय शास्त्र है। इस तरह से फैसला नहीं सुनाया जा सकता। कानून के शिकंजे से बचने के लिए माफी नहीं मांगी जा सकती, माफी दिल से मांगी जाती है। मैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को याद दिलाता हूं कि जब वे कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तब योर लॉर्डशिप ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपने टिप्पणी के लिए अवमानना नहीं की थी कि न्यायाधीश भ्रष्ट हैं। योर लॉर्डशिप ने मुख्यमंत्री के रूप में उनकी स्थिति को ध्यान में रखा था। अब जानते हैं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने क्या कहा। राफेल केस में वेणुगोपाल और भूषण आमने सामने थे, तब का जिक्र करते हुए वेणुगोपाल बोले, उस वक्त उन्होंने माफी मांग ली थी। मैंने उनका बयान पढ़ा तो अवमानना का मामला वापस ले लिया था। अदालत अगर उनके प्रति उदारता दिखाते हुए इस बात को भी यहीं छोड़ती है तो बड़ा उदाहरण पेश होगा। पहले भी कई बार रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट के कई वकील इस तरह के बयान दे चुके हैं या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात उठा चुके हैं। ऐसे में सिर्फ अब भूषण पर कार्रवाई जरूरी नहीं। प्रशांत भूषण ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। अदालत चाहे तो ऑफ द रिकॉर्ड उनका बयान दर्ज कर सकती है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने क्या टिप्पणी की, आइए जानते हैं। हमें बताइए माफी शब्द में गलत क्या है। यह एक चमत्कारी शब्द है जो कई चीजों को सही कर सकता है। हम प्रशांत के बारे में नहीं, सामान्य तौर पर कह रहे हैं। माफी मांगकर आप महात्मा गांधी की श्रेणी में आ सकते हैं। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो मरहम भी लगाना होगा। अवमानना का मामला तो के वेणुगोपाल ने भी प्रशांत भूषण पर लगाया था और ये भूषण के माफी मांगने के बाद ही वापस लिया गया था। फिर अब समस्या क्या है? लोग आलोचना कर रहे हैं कि हमने भूषण का बयान नहीं लिया। हम बयान के लिए कह रहे हैं तो वो और आप ये कह रहे हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड बयान ले लें। हम ऐसा भी कर लेंगे तो कल को कहा जाएगा कि अदालत ने अपनी मर्जी से कैसे बयान रिकॉर्ड से हटाया। हम बार से अलग नहीं हैं, हम भी बार से होकर ही यहाँ तक आते हैं। लेकिन इतने सब के बाद हमें क्या हासिल हुआ? आपको प्रेस में नहीं जाना चाहिए था। आप सिस्टम का हिस्सा हैं। आपकी एक गलती से पूरा सिस्टम तबाह हो सकता है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभिषेक ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल,
यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।